निकलिए आप लोग, एलजेब्रा कराएंगे आज आप लोग। एलजेब्रा में पढ़ा भी रखा है, ये सब क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो पता नहीं। देखो इसको क्यों बार बार करते हो यार, रखो ना। अब एक क्वेश्चन है कि इफ ईच मैच बॉक्स कंटेन 15 मैच स्टिक, एक माचिस की डिब्बी है उसके अंदर 15 मैच स्टिक्स हैं, मतलब माचिस की तिल्लियां हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड टू फिल एन सच बॉक्सेस, आपको मैं कहूं एक माचिस के डब्बे में 50 मैच स्टिक्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, आप यहां ध्यान देखिए, उसको गोली मारिए। तो मैं कहूं कि n बॉक्सेस है तो आपको कितना लगेगा, सिंपल सा हिसाब है, एक डब्बे में 50 तिल्लियां हैं तो 10 डब्बे में निकालने के लिए 10 × 50 करते हैं, करते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। मैं कहूं कि एक माचिस के डब्बे में 50 मैच स्टिक्स है, 50, तो 5 में कितना होगा, तो 50 × 5 250 या 500, यही होगा ना। तो यहां कहा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 नहीं, n दे रखा है, n, तो n इंटू 50 इज इक्वल टू 50 n। मैंने अलजेब्रा में बताया था कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट में होता है और जो वेरिएबल हमेशा राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, हाथ उठाओ, क्या क्या नहीं समझ में आया। एक माचिस के डब्बे में 50 तिलियां हैं तो n नंबर ऑफ जो मैचस्टिक बॉक्स है n, तो इसमें कितनी माचिस की तिलियां होंगी, तो n इंटू 50 कर देंगे। यहां पे अगर 10 माचिस के डब्बे होते तो 10 × 50, ठीक है। अभी बैठो बेटे, कौन सा क्वेश्चन, अलजेब्रा ही है, अलजेब्रा निकालो ना। देखिए अलजेब्रा फिर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स लिटरल एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको नंबर यूज करना है 1 2 3 4 5 6 7, आपको लिटरल्स मतलब ABCD प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन होता है बराबर का वो यूज करना है, और बेसिक ऑपरेशन बनाने हैं आपको। कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यही हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो कंसीडर डी इज द डायमीटर, करना चाहते हैं जैसे, हाँ देखते हैं, आइए द टाइम इज द, अब अगर बोलेंगे तो हो गया ना क्लास खत्म फिर यहीं पे। देखो हमारा क्वेश्चन है पहला कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस, बोलना देखिए बुक से, इट्स रेडियस, ठीक है। अब डायमीटर के लिए छोटा डी, देखते जाना, रेडियस के लिए छोटा आर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ट्वाइस, तो जो डायमीटर होता है किसके बराबर होता है, रेडियस के ट्वाइस, मतलब 2 × रेडियस, तो डी इज इक्वल टू 2 r इज द आंसर, काम करो। फिर से देखो डायमीटर जो होता है, एक ये सर्कल है ये सेंटर है, इसका जो डायमीटर होगा
ठीक है, और रेडियस क्या होगा, हाफ होता है, तो डायमीटर होगा इस रेडियस का डबल होगा, ट्वाइस होगा, तो डायमीटर बराबर रेडियस का डबल, मतलब कि टू गुना रेडियस, तो डी इज इक्वल टू टू आर। सीता हिंदी इंग्लिश की राइटिंग एक एक पे जरूर कल से जरूर लिख के लानी है, ठीक है, और जो ईबीएस का पेपर है ना अभी, मम्मी घर पे रिवीजन कराएगी, कर भी लेना, मैं पूछूंगा दादी से कराए, ठीक है। हर्षित आप इसी को रिवीजन करना, चैप्टर दोनों रीड करने हैं, पूरे क्षेत्र से रीड करके आना, मैं देखूंगा क्या रीड किया, कल पूछूंगा जो पेपर में आ रहा है, ओके जा सकता, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन होंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया, एरिया की बात हुई, लेंथ की बात हुई, ब्रेथ की बात हुई, तीन चीज की बात हो रही है ना। कहा यह जा रहा है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया रेफर्स टू बिग ए, वो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट का मतलब क्या, कौन सा साइन लगाएंगे, एनीबडी बोलो, मल्टीप्लाई, तो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे लिख दिए, सॉल्व, क्लियर है ना क्वेश्चन, समझ आया। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है उसके लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट देख लिया आपने, एरिया है वो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है। जैसे बेटे दो और चार को मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए, वही बात कही जा रही है, समझ में आई आपको, प्लस कर देंगे तो मैं आपकी बुद्धि चमका, क्यों करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ, पागल हो, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बताओ, देखिए ध्यान देंगे, द सम ऑफ सिक्स एंड एक्स, सिक्स और एक्स है, कह रहा है द सम ऑफ सिक्स, देखिए मेरी बात सुनिएगा, सम मतलब कि प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट की बात होती है, मतलब कि माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि सम ऑफ सिक्स एंड एक्स, तो सिक्स प्लस एक्स, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, क्या करेंगे, मैंने बताया ना पहले आपका x प्लस सिक्स, ठीक है, पहले वेरिएबल बाद में ये कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, खत्म बेटे, ये काजू कतली स्टाइल चल रहा है, ऐसे ही छोटा मोटा काम करना है, ये सिक्स प्लस एक्स भी कर सकते, कुछ भी कर दो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं है ना, सिक्स प्लस एक्स या एक्स प्लस सिक्स, थ्री मोर देन क्या है, नंबर वाई, तो मैं अभी नहीं आएंगे, 15 मिनट पहले कोई नहीं आएगा, थ्री मोर देन नंबर वाई, मोर देन मतलब क्या होता है, ज्यादा मतलब प्लस, मोर देन मतलब प्लस, लेस देन, यहां देखो कौन बातें कर रहा है, मारने खाए हो कभी, चाहते हो प्रसाद लेना क्या, मोर देन मतलब भी प्लस ही होता है, और लेस देन मतलब क्या होगा, माइनस, याद रखिएगा इस बात, लेस डिवाइड का कुछ भी नहीं, डिवाइड का सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऐसे डायरेक्ट किसी वर्ड से हम लोग नहीं डिवाइड को बता सकते, है ना। अब थ्री मोर देन वाई, तो वाई से तीन ज्यादा, तो y में प्लस थ्री, काम खत्म हो गया, सॉल्व, ये बस ये खत्म, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, आप लोग बेटा आवाज मत निकालो प्लीज, बैठ बेटे, कुर्सी खाली है ना वहां पे, तुम जहां बैठी हो बैठो ना, तुम क्यों उठ रही हो, उधर जगह नहीं है क्या, उधर जाओ, हटा दो,
बिल्कुल मेरी बात सुनिए सिक्स क्लास थिंक ऑफ अ नंबर क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 एड 6 टू द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम दिस रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट चल घुमाने वाला है ना इसमें कुछ भी नहीं देखो एलजेब्रा करने के लिए पहले रखो पेशेंस और जैसा जैसा कहता जाता है वैसा वैसा करते ठीक है पहले कहा गया है कि कोई एक नंबर आपको लेना है ध्यान से सुनना कोई एक नंबर लो उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करो आपने मल्टीप्लाई कर दिया अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना जो आंसर आएगा उसमें 6 बेटे आप लोग को आवाज नहीं निकाल उसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे रिजल्ट ओके रिजल्ट मतलब कि जो आएगा और उसके बाद जो आएगा उसमें वाई को माइनस करना है तो हम उसे करते सपोज मुंह से मत बोली कोई सपोज द नंबर मान लीजिए वो नंबर हमने x ले लिया पहले कहा जा रहा है x को 5 से मल्टीप्लाई करो तो x मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5x फिर कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट आया क्या आया 5x उसमें 6 प्लस करो तो 5x प्लस 6 आ गया फिर कहा जा रहा है कि जो 5x प्लस 6 है ना इसमें y माइनस करो तो 5x प्लस 6 था माइनस y दैट्स ऑल मैं देता हूँ अच्छा आपको देना है ठीक एबीसी लो लेकिन आप एक्स ही लेना नहीं नहीं एबीसी ए से लेके जेड के बीच का कोई नंबर लिखना समझ में आया क्वेश्चन कोई दिक्कत किसने एक बार कोई एक नंबर आपको लेना है लिया पहले उसमें 5 मल्टीप्लाई करना है हमने कर दिया तो x में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5x हो जाएगा जो आंसर आएगा उसमें आपको 6 प्लस करना है हमने कर दिया बेटे निकाल के मैथ्स उच्च करो ना फिर बैठे हो और जो 6 प्लस करने के बाद जो आंसर है उसमें y माइनस करना हमने y माइनस कर दिया काम खत्म सॉल्व इसके आगे कुछ नहीं करना राम जी का भजन गाओ अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 12 less than the twice of the number of room on first floor. Question पढ़ के आपको कल चक्कर आ रहा होगा लेकिन घबराइए ना. If the first floor has x rooms, how many rooms does the ground floor has? Okay? कहा जा रहा है कि दो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है ना हाँ फर्स्ट फ्लोर नंबर ऑफ रूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल टू एक्स ठीक है फर्स्ट ये क्वेश्चन में है कि एक्स मतलब कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां एक्स नंबर ऑफ रूम एक्स है तो नंबर ऑफ रूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल टू एक्स ओके ठीक है The number of room on ground floor of a building is 12 less than twice of number of room on first floor. देखिए, twice the number of first floor. तो twice the number of room on first floor is equal to 2 multiply x is equal to 2x. ठीक है और फिर कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें जितना ये ट्वाइस करने के बाद है उसे 12 कम है तो 2x हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया इसमें लेस देन 12 मैंने माइनस कर इट इज द आंसर मैं साइडे हूं 8.1 एक्सरसाइज सारा करके दिखाइए टाइम अप और आपको आ गया होगा एक्सरसाइज पहले टेस्ट दीजिए साइंस का हो गया हो तो